भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का आज एक ऐतिहासिक दिन है। 72 साल का कलंक, अनुच्छेद 370। आज गृह मंत्री अमित भाई शाह के एक भाषण से, राज्यसभा के नाम एक संदेश से मिट गया है जम्मू एंड कश्मीर के पूरे स्टेट का पूरी तरह मिलन। आज भारत की मुख्य धारा से हो गया है। इस मिलन का, इस पूर्ण तौर पर जम्मू कश्मीर के समावेशित होने का, इस जम्मू कश्मीर की जनता के भारत की मुख्य धारा से जुड़ने की सच्चाई को आपके सामने लाने का आज हमारा मन है। वी एट द ब्लंटर टुडे विल डिस्कस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड व्हाई दिस माइट बी द ग्रेटेस्ट डिसीजन इन द हिस्ट्री ऑफ 72 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब वो कहते हैं कि अनुच्छेद 370 खत्म हो गया है तो इसका अर्थ क्या है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कई लोग बातें कर रहे हैं कि 370 पूरा खत्म हो गया है, कुछ कह रहे हैं 35 से अभी तक है, कुछ कह रहे हैं 35 से भी खत्म हो गया है, और कुछ कह रहे हैं कि वास्तविकता में इसके कोई मायने ही नहीं है क्योंकि एक इनवैलिड एक्शन है। लेकिन सच तो ये है कि अनुच्छेद 370 का उप अनुच्छेद 370(1) अभी भी है, लेकिन बचे हुए सभी खंड अनुच्छेद 370 के मिटा दिए गए हैं, यानी कि आज के बाद संविधान में उनके पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। क्या है 370(1) और क्या था 370? जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, महाराजा हरि सिंह डोगरा वंश के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के श्री श्री राज राजेश्वर हरि सिंह ने जब भारत में सम्मिलित होने का निर्णय लिया तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कुछ मूल शर्तें थी, उन मूल शर्तों में से एक शर्त ये थी कि कश्मीर की अपनी पहचान होगी, कश्मीर का अपना निशान होगा, अपना संविधान होगा, अपना विधान होगा, अपना प्रधान होगा। इस बात पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बड़ा एतराज होता था। लोकसभा में खड़े होकर एक बेहतरीन वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि एक ही राष्ट्र में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं हो सकते। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस स्वप्न को साकार कर दिया है। जब स्वप्न साकार हुआ तो राज्यसभा के एक सदस्य स्वपन दास गुप्ता भी खड़े हुए। उन्होंने एक और स्वप्न की चर्चा करी, एक स्वप्न जो उन्होंने तब देखा था जब वो पहली बार पॉलिटिकल अपॉइंटी बनकर राज्यसभा गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरा सपना है कि एक दिन हर एक बिल के ऊपर ये नहीं लिखा जाएगा एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, संपूर्ण भारत में लागू सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य के। लोग समझ रहे हैं आज वो सपना पूरा हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज वो स्वप्न पूरा नहीं हुआ। 370(1) जो अनुच्छेद अभी भी बचा है, या अनुच्छेद का अंश जो अभी तक बचा है, वो यही कहता है कि कॉन्करेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो तो अप्लाई होंगे, लेकिन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के लिए आज भी जम्मू कश्मीर, जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बनने जा रहा है, उसकी विधानसभा से हामी लेनी होगी, यानी उनकी स्वीकृति होगी तो ही वो कानून लागू होगा। लेकिन इसके हटने के मायने क्या है? क्या वाकई में ये उतना ऐतिहासिक है जितना हमें बताया जा रहा है, या फिर ये एक और ऐसा हथकंडा है जिससे कि नैरेटिव को हाईजैक कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? सच ये है कि 370 और 35 का हटना उतना ही ऐतिहासिक है जितना ऐतिहासिक भारत में गोवा का पूर्णतः सम्मिलित होना था, या शायद उससे थोड़ा ज्यादा ऐतिहासिक, क्योंकि गोवा एक बार में पूरी तरह सम्मिलित हो गया था, मणिपुर एक बार में पूरी तरह सम्मिलित हो गया था, सिक्किम एक बार में पूरी तरह सम्मिलित हो गया था, कश्मीर सम्मिलित हो गया था 72 साल पहले। 70 साल पहले अनुच्छेद 370 नाम का संवैधानिक कलंक लगा और 70 साल बाद एक वक्तव्य से उस कलंक को पोछा गया है। क्या था ये कलंक? कलंक ये था कि आप और हम भारतीय हैं, हमारे कश्मीरी भाई भी भारतीय हैं, जम्मू में रहने वाले हमारे मित्र भी भारतीय हैं, लद्दाख की हमारी बहनें भी भारतीय हैं,
लेकिन हम वहां जाकर जमीन नहीं खरीद सकते थे, हम वहां जाकर व्यवसाय नहीं कर सकते थे। और इस संवैधानिक सीमा के कारण हुआ ये था कि उस राज्य में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्यवसायिक बढ़ोतरी कभी हुई ही नहीं। वो राज्य 1947 में आर्थिक मंदी में था, 1970 में आर्थिक मंदी में था, 1987 में भयंकर आर्थिक मंदी में आया, 1999 में गहन चिंतन का मसला बना और 2019 तक बेरोजगारी के आंकड़ों में जम्मू कश्मीर सबसे आगे रहता था। अब जब आप और मैं वहां जाकर व्यवसाय कर पाएंगे, आपके और मेरा जब निजी कैपिटल, जब प्राइवेट कैपिटल वहां लगेगा, तो नौकरियां बनेंगी, नौकरियां बनेंगी तो घर चलेंगे, घर चलेंगे तो उन्नति होगी, उन्नति होगी तो जम्मू कश्मीर, मेरा जम्मू कश्मीर, आपका जम्मू कश्मीर, हम सबका जम्मू कश्मीर एक उन्नत जम्मू कश्मीर होगा। फिर कभी कश्मीरी विलों के बल्ले बनाने वाले कश्मीरी पंडितों को निकाला नहीं जाएगा, फिर कभी कश्मीरी विलों में कश्मीरी पंडितों का साथ देने वाले कश्मीरी मुसलमानों के परिवारों को लूटा नहीं जाएगा, फिर कभी भारत की तरफदारी करने वाले मेरे कश्मीरी देशभक्त भाइयों के बहनों को अगवा नहीं किया जाएगा, फिर कभी लाल मस्जिद से देश विरोधी तकरीर नहीं होगी, फिर कभी कोई नौजवान बुरहान वानी की राह नहीं लेगा, फिर कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग के बीच पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर में नहीं लहराएगा। आज जो अमित शाह ने किया है या आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि बारामुल्ला के मेरे उन कश्मीरी मुसलमान भाइयों की शहादत को ये सही सलाम है जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान के आते हुए कबीलाइयों को रोका था। ये सही सलाम है हर उस कश्मीरी पंडित को जिसे जब उसके घर से निकाला गया तो उसके मुंह से आह तक ना निकले, ऐसा दर्द, ऐसी चुभन, ऐसी टीस की आवाज दिल की धड़कनों के भीतर कहीं कंबल ओढ़े सो जाए, एक ऐसा दर्द जिसमें आंसू अपने आप बिना सूर्य की किरणों के लगे सूख जाए। ये हर उस कश्मीरी को सलाम है, ये हर उस कश्मीरी की शहादत का परिणाम है जो कश्मीर में बढ़ती मिलिटेंसी के बीच में भी भारत के साथ रहा, ये हर उस देशभक्त कश्मीरी को बचे हुए भारत का पैगाम है कि आप भाई हैं हमारे और भाइयों के बीच की दीवारें हमेशा तोड़ देनी चाहिए। ये उस दीवार के टूटने का संदेश है जो दीवार पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक ऐतिहासिक गलती के कारण खड़ी हुई थी। होगा क्या? होगा ये कि लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा जिसकी कोई विधानसभा नहीं होगी, जिसे पुडुचेरी की नहीं है या चंडीगढ़ की नहीं है। जम्मू कश्मीर को भी एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा लेकिन उसकी एक अपनी विधानसभा होगी जैसे दिल्ली की है। लेकिन सत्य तो ये है कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सरीखे कश्मीरी नेताओं की अब तूती बोलना बंद हो जाएगी क्योंकि ऐसी यूनियन टेरिटरीज में आखिरी ताकत गवर्नर जनरल के पास होती है। गवर्नर जनरल अपॉइंटी होता है प्रेसिडेंट का, जो कि अपॉइंटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जितनी बार फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती, शेख अब्दुल्ला के कथन पर कश्मीर में आग जली, अब वो आग नहीं जलेगी। 5 अगस्त हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे काला तरीन दिन है, जब यहाँ की पार्लियामेंट में चोरों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से वो सब कुछ छीन लिया गया जो उन्हें इसी पार्लियामेंट ने दिया था। कई दिनों से यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को ये कह के बढ़ाया गया कि अमरनाथ यात्रा और टूरिस्ट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अटैक होने वाला है। इतना बड़ा मुल्क और एक छोटी सी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट से डर गया और कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया ताकि कोई भी इस नाजायज फैसले के खिलाफ आवाज ना उठाए। हिंदुस्तान के साथ हमारा इलाक एक बाइज्जत मुआहिदा था जिसको आज खुद ही मरकजी सरकार ने इसराइल की तरह एक नाजायज कब्जे में बदल दिया। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान को रिजेक्ट करके
हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का जो फैसला किया था वो शायद सही नहीं था, क्योंकि जिन शर्तों पे हमारे मुल्क के साथ मुआहदा हुआ था वो शर्तें आज हिंदुस्तान ने खुद ही तोड़ दी। इसलिए हम कश्मीरियों को अपनी इज्जत और बका के लिए जदोजहद के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जितनी बार भी इन लोगों ने कश्मीर पे जलती आग से अपनी रोटियां सेकी राजनीति की, वो राजनीतिक रोटियां अब नहीं सेकेंगी। सच तो ये है कि राजनीतिक अवसरवाद पे जिंदा रहने वाले ये राजनीतिक जानवर अब भूखे मरेंगे। सच तो ये है कि आप और मैं हमेशा ये कह सकेंगे कि 1994 में जो रेजोल्यूशन लोकसभा और राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था उसे हमने। सच तो ये है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक फैसला होगा तो हम आपके सामने आएंगे, आपको उस बारे में बताएंगे, क्योंकि ये हमारा संकल्प है। एक संकल्प आपसे भी करवाना चाहते हैं कि आप देखते रहेंगे द ब्लंट.com, एज ब्लंट एज इट गेट्स।